वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। आज का टॉपिक है थ्योरम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। चैप्टर वन का यह सीरीज चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा सीजीबीएसई क्लास टेंथ के मैथ्स का सोल्यूशन हम आपको हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं। इंग्लिश वालों के लिए भी हमारा कोशिश है कि कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ पाएँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है कोई भी माध्यम को, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके सुझाव भी है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज की बारी है चैप्टर नंबर वन के शेषफल प्रमेय, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, इस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्या कहता है शेषफल प्रमेय? सबसे पहले जान लेते हैं शेषफल प्रमेय के थोड़ी सी ऊपरी भाग को, कि अभी तक हमने दो तीन वीडियो लेक्चर्स में क्या किया कि हमें एक बहुपद दे दिया जाता था और उसको हम एक दूसरे बहुपद से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और अंत में हमें दो चीज़ें मिलती थी स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, प्रथम होता था क्या, भागफल, कोशेंट, और दूसरे नंबर पे हमें प्राप्त होता था शेषफल। अगर मैं कहूँ कि एक आपके पास बहुपद है जिसको किसी और बहुपद से, एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है, और मैं पूछता हूँ कि इससे डिविज़न के बाद क्या आएगा, आपका शेषफल क्या आएगा, तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड, उतना लंबा चौड़ा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 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 बात यह है कि अगर आपने शेषफल प्रमेय सीख लिया तो आपको एक्चुअल डिवीज़न करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, एक्चुअल डिवीज़न करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट इस थ्योरम की मदद से जो डिवीज़न होने के बाद शेषफल मिलने वाला है, रिमाइंडर मिलने वाला है, उसको आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम कथन पढ़ लेते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स, आपको पता है मैंने बता दिया है कि बहुपद को किससे दर्शाएंगे हम, एफ ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स से हम शो करने वाले हैं, को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ऑफ ए आता है। क्या, एफ ऑफ ए आता है, जहां एफ ऑफ ए का अर्थ है एफ ऑफ एक्स का मान जब एक्स बराबर ए हो। कुछ समझ में नहीं आया सर? जी हाँ, आएगा भी कैसे, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है और पहली बार आप इस तरीके से स्टेटमेंट का सामना होगा आप क्लास टेंथ में। चलिए फिर से, इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, पता है एफ ऑफ एक्स होगा, है ना, जो कुछ भी होगा एक्सप्रेशन, लेकिन हम किससे शो करेंगे, एफ ऑफ एक्स से, या वाई के टर्म में है तो एफ ऑफ एक्स, जो कुछ भी, और एक्स माइनस ए से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करने वाले हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो एफ ऑफ ए होता है। क्या अर्थ है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से समझना तनिक मुश्किल है। तो बोलो हाँ अगर समझ आया तो। बातें क्या, किससे समझने वाले हैं हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। स्टूडेंट सबसे पहली बात तो f ऑफ x आपका क्या है, तो ये रहा f ऑफ x, ये क्या है आपका f ऑफ x है, जिसको हम p ऑफ x से, है ना, पॉलिनोमियल है x के टर्म में या फंक्शन ऑफ x, ऐसे शो करते हैं। ये तो हो गया कन्फर्म कि हमारा भाज्य है, डिवाइड, और डिवाइड अब कर होगा किसका, एफ ऑफ एक्स का, करेगा कौन, एक्स माइनस ए। इस उस वाले टर्म को देखिए, ये रहा एक्स माइनस ए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, जी हाँ, ये किसका रूप है, ये रूप है एक्स प्लस ए का, वैसे ही आपको रूप दिखेगा एक्स माइनस ए का। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट कि ये जो होगा वो आपका क्या होगा, ये जो होगा आपका एक संख्या होगा, क्या संख्या होगा, एक नंबर होगा, एक नंबर होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। जब कभी भी इस क्वेश्चन आएगा तो x प्लस ए या x माइनस ए, इस फॉर्म में आपका क्या मिलेगा, डिवाइजर मिलेगा, भाजक आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे ये रहा भाजक, ये रहा भाज्य, ये रहा f ऑफ x, ये रहा x माइनस ए। इस f ऑफ x को इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार क्या कहता है, वो आएगा आपका p ऑफ a, चूँकि मेरे पास यहाँ p ऑफ x में दिया गया, इसीलिए p ऑफ a आएगा। और a क्या है आप जानते हैं, a क्या है, मेरा एक नंबर होगा। कहाँ से आएगा नंबर, तो वो यहाँ से आएगा, ध्यान दीजिए, कहाँ से आएगा वो नंबर, यहाँ से आएगा। कैसे आएगा,
कैसे आएगा? ध्यान से देखिए अब कैसे आएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, दिए गए डेटा को लिख लेना है। ये रहा गिवन डेटा हमारे पास, है ना, ये डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो भाजक दिया है स्टूडेंट, ये जो भाजक दिया है उसको क्या करना है, जीरो के इक्वल रखना है। क्या? जीरो के इक्वल रखना है, कि पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या यूं कहूं तो जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, हमने इसका मान यहां रख दिया, या आप डायरेक्ट यहीं से पुट कर सकते हैं। अब जरा देखिए यहां से क्या होगा, यहां से मेरा एक्स का मान निकल के आ जाएगा, एक्स का मान निकल के आ जाएगा। क्या? कि एक्स यहीं पे रहेगा और प्लस वन जब ट्रांसफर होकर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। जी हाँ स्टूडेंट, यही मोस्ट आईएमपी आपका टर्न है। उसके बाद इस एक्स के मान को अब कहाँ रख देना है आपको, जिसको डिवाइड करके हमें शेषफल प्राप्त करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल रखें। अब जिसको डिवाइड करना है अर्थात भाज्य को अर्थात डिविडेंड को, अब क्या करेंगे हम, जहां जहां एक्स दिख रहा है क्या पुट कर देंगे हम, एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर देंगे। देखिए कैसे करना है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन पी ऑफ एक्स, देयरफॉर ये पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे मैं माइनस वन रखता हूं तो जहां जहां एक्स है वहां मैं माइनस वन रखूंगा, थ्री इंटू माइनस वन रेस टू द पावर फोर माइनस माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस थर्टी इंटू माइनस वन माइनस वन। सॉल्व करते हैं, पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। घातांक का नियम अगर आपको पता हो स्टूडेंट, तो घातांक का नियम कहता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, कि माइनस वन की पावर अगर सम हो, माइनस वन की पावर अगर सम हो इवन हो तो क्या आता है, हमेशा वन आएगा। माइनस वन की पावर अगर विषम हो ऑड हो तो हमेशा माइनस वन आएगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत जगह पे आपको इसका दर्शन होने वाला है, तो इसको ज़रा याद करके रख लीजिए। तो यहाँ क्या है, माइनस वन की पावर फोर अर्थात क्या, सम, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री, और थ्री क्या होता है, विषम, तो क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस वन आएगा, माइनस वन। प्लस, माइनस और प्लस होता है आपका माइनस, और 30 का एक के साथ गुणा होगा तो 30 आएगा, और माइनस वन साथ चलेगा। चलिए, पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू थ्री इंटू वन थ्री, माइनस और माइनस, प्लस वन और 30, माइनस 30 और माइनस वन। प्लस वाले एक साथ ले लेते हैं, माइनस वाले एक साथ ले लेते हैं, बॉर्मॉस का यही नियम है, या गुणा भाग जो भी करना है आपको, क्या कर सकते हैं हम, कि सबसे पहले माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो थ्री प्लस वन फोर, माइनस और माइनस प्लस, थ्री थर्टी प्लस वन थर्टी वन, कॉमन साइन माइनस। अब यहाँ से पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 27, माइनस 27, देयरफॉर शेषफल प्रमेय से यह आपको लिखना पड़ेगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम, सिंस पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू माइनस 27, यही हमारा आंसर होगा। ये रहा आर, आर फॉर रिमाइंडर, ये हमारा शेषफल क्या होगा, माइनस 27 यहाँ से हमें मिल जाएगा। शेषफल प्रमेय से पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आर, देयर फॉर, या अगर आप यहां से लिखें, देयर फॉर आर इज इक्वल टू माइनस 27, ये आप आंसर ले सकते हैं। चलिए, इस तरीके से करना है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, अगर समझ आ गए हैं तो जल्दी से इसको एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं, इसी एग्जाम्पल नंबर 9 को हम क्या करने वाले हैं, ये भाजक को चेंज करके अब रिमाइंडर प्राप्त करने वाले हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं अब उसको। सो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इसी एग्जाम्पल नंबर 9 को एक अलग डिवाइजर, एक अलग भाजक के साथ
अगर हम डिवाइड करते हैं उससे, अगर डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, कौन है वो भाजक, तो वो है आपका बी नंबर 2x-1। ये बी नंबर का आपका डिवाइजर है, बी नंबर का भाजक है, एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए अब इसको कैसे करना है जरा देखते हैं। तो सबसे पहला काम है हमें इसको जीरो के इक्वल रख के x का वैल्यू लाना। उस x के वैल्यू को कहाँ रख देना, यहाँ रख देना, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ अगर हम पुट कर दें तो जो कुछ भी हल होकर आएगा तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार वही हमारा क्या होता है, शेष फल होता है। चलिए तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि पुट 2x-1 इक्वल टू जीरो, देयर फॉर यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, और यहीं से फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। इस x इज इक्वल टू 1/2 को, इस x के मान को अब कहाँ रखना है, इसे p ऑफ x में रखना है स्टूडेंट। तो p ऑफ x में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3 × 1/2⁴ − 1/2�³⁴ + 30 × 1/2 − 1। आगे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 3 × 1⁴ − 2⁴, क्योंकि घातांक का नियम मैं बार बार आपको याद दिलाता जाऊंगा, घातांक के उन नियमों को जिसको आपने शायद भुला दिया हो, लेकिन यहाँ पे हर कदम कदम पर आपका वो मिलने वाला है स्टूडेंट। इसीलिए आप उन 6 से 7 जो है बेसिक आपका, उसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका घातांक का नियम लगता है कि यदि p अपॉन q है और होल पावर क्या है 4 है, तो वो p के लिए भी पावर होता है और q के लिए भी पावर होता है। तो ये 1 की घात 4 2 की घात 4 माइनस, यहाँ भी वैसा 1 की घात 3 और 2 की घात 3 प्लस 30, ये 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 15 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 2⁴ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16 माइनस 1/8 और ये हो जाएगा प्लस 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगर बात की जाए तो 3 × 16 − 1/8 + 14। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 16, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ 3 − 2 + 14, मैं यहाँ का जगह ले लेता हूँ, और 3 − 2 तो क्या हो जाएगा 1/16 + 14। इसी को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट क्या कि 14 राइट 1/16। आंसर अगर आप चाहें तो मैच कर लें, क्या आया है आंसर, बिल्कुल अगर आंसर देखें तो यही आया है, 14 सही 1/16 हमारा आंसर आया है। बिल्कुल आसानी से ये बनता है, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे है, आप यहाँ को सॉल्व मत करिएगा, जो भी आपके फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो भी आपका बटे वाला रूप है, उसको बस सॉल्व करिएगा। इस तरीके से आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को हम एंड करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को हम एंड करते हैं और इस रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से क्लियर करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। सो चलिए, सो आई स्टूडेंट देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में शेषफल प्रमेय से संबंधित ये आखिरी क्वेश्चन, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन पैटर्न लेकर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि वो इसको ऐसे ही सामान्य मेथड से, मतलब सामान्य नज़रों से सॉल्व करते हैं। आइए मैं उसको आपको कुछ अन्य तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट मैं ध्यान से देखिएगा, रीड कर रहा हूँ, जब किसी बहुपद f ऑफ x को x²-4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना आता है। देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, बहुपद पहली चीज, इसको भाग दिया जाता है, अर्थात ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा भाज्य।
किससे भाग दिया जाता है, इससे भाग दिया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका भाजक। ये रहा आपका डिविडेंड, ये रहा डिवाइजर। तब शेषफल क्या आता है, तब शेषफल ये आता है, क्या आता है, जो कुछ भी हो, एफ 5x+6, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। अब जरा देखिए, आपको बहुपद पता है, आपको क्या पता है भाजक पता है, आपको शेषफल पता है, क्या नहीं पता है कोशेंट नहीं पता है। तो कोशेंट आप क्या ले लेंगे, भागफल आप क्या ले लेंगे, क्यू ऑफ एक्स ले सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स ले सकते हैं, ठीक। अब इसी एफ ऑफ एक्स को क्या किया जाता है, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट जी, इसी को एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है, बहुपद हमारे पास है, भाजक हमारे पास है, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है। बोलो समझ में आया क्या, बोलो हाँ, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है तो हम शेषफल नहीं निकाल सकते। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी क्या, एफ ऑफ एक्स की। तो देखिए कैसे मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले सल्यूशन हम जब स्टार्ट करेंगे तो केस नंबर वन, ये मेरा अपना तरीका है, केस नंबर वन जब क्या एफ ऑफ एक्स बहुपद की जगह पे क्या है आपका भाज्य, क्या है भाज्य बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक। भाजक है आपका, भाजक क्या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, देन तब 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 शेषफल क्या है, तब शेषफल r बराबर है आपका 5x+6। तो विभाज्यता सूत्र से, विभाज्यता सूत्र से, इसीलिए विभाज्यता सूत्र से क्या होता है, विभाज्यता सूत्र f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाजक क्या है एफ ऑफ एक्स, सॉरी भाज्य क्या है एफ ऑफ एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स। अब इसी को डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा डिवाइड किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के द्वारा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर के द्वारा डिवाइड किया गया है। तो भागफल कुछ आया होगा, मान लो जाए वो क्यू ऑफ एक्स है, नहीं पता तो, और रिमाइंडर आपका आता है 5x+6, ये रहा इक्वेशन नंबर वन। क्या इतनी बातें समझ में आई, ये केवल इस पूर्ण विराम से पहले की कहानी है, केस नंबर वन कि जब इस एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस फोर से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है 5x+6 रिमाइंडर आता है। और हमें पता है कि तीन चीज़ें पता हों तो हम विभाज्यता सूत्र से ये डिविडेंट हम पता कर सकते हैं, भाज्य को पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी अननोन है ये। अब कहा जा रहा है कि इसी एफ ऑफ एक्स को, अब ये अपना पॉलिनोमियल है, ये अपना बहुपद है स्टूडेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे यही गलती करते हैं स्टूडेंट कि यही समझ पाते हैं कि है क्या चीज़, ये अपना बहुपद है। अब इसी को क्या किया जा रहा है, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जा रहा है, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया जा रहा है। तो केस नंबर टू, केस नंबर टू, स्थिति दो, जब जब क्या हो जाए आपका भाजक, जब भाजक क्या हो एक्स माइनस टू हो। तो हमें पता है क्या कि अगर मेरे पास भाजक है, मेरे पास भाज्य है, तो शेषफल प्रमेय से मैं क्या निकाल सकता हूँ, शेषफल निकाल सकता हूँ। तो इसलिए पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू समीकरण एक में रखने पर, या एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में जब मैं रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे एफ, जहां जहां एक्स दिखाई दे रहे हैं वहां क्या पुट कर देंगे, अब हम टू पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू क्यू ऑफ टू प्लस प्लस 5 × 2+6। आगे सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा आपका,
एफ हॉप टू हो जाएगा आपका फोर माइनस फोर इंटू क्यू ऑफ टू प्लस यहाँ से टेन प्लस सिक्स, ये तो हो जाएगा जीरो। और जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है स्टूडेंट, जीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही प्राप्त होता है। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो इंटू क्यू ऑफ टू प्लस सिक्सटीन, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ टू बराबर सिक्सटीन। ये क्या है, ये तो हमारा जवाब नहीं है। कैसे जवाब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, जहाँ पे ये f ऑफ a हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो चूंकि शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से f ऑफ a इज इक्वल टू r, f ऑफ a इज इक्वल टू r, r फॉर रिमाइंडर शेषफल, इसलिए f ऑफ a f ऑफ टू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सिक्सटीन। अतः शेषफल बराबर सिक्सटीन, आप इतने में ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहां तक भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन समझा, केस नंबर वन, केस नंबर टू, दो भागों में इसको तोड़ा। पहला भाग हुआ इस पूर्ण विराम से पहले की कहानी, दूसरा भाग हुआ इस पूर्ण विराम के बाद की कहानी। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप शायद एक दो बार क्वेश्चन को ट्राई करके आप बिल्कुल बना सकते हैं। यदि एक ही बार में समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी समझ की हम दाद देते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो लेक्चर इसके बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहाँ हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा भाई है ये मान के चलिए। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।